आगे हमारे पास एक क्वेश्चन, इफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस 4 अंडर रूट 5 देन फाइंड एक्स प्लस 1 बाई एक्स। हमें एक्स की वैल्यू गिवन है और हम क्या फाइंड करनी है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको देखें ध्यान से तो इसमें एक्स की वैल्यू तो हमारे पास गिवन ही है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, 1 अपॉन में एक्स की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 अपॉन में एक्स, ठीक, 1 अपॉन में एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 माइनस 4 अंडर रूट 5, तो यहाँ लिख लो आप 9 माइनस 4 अंडर रूट 5, ठीक। अच्छा 1 बाई एक्स ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज़ में मैंने अभी बताया आपको कि जो डिनोमिनेटर है उसी से आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना, बस साइन चेंज कर देना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस है तो प्लस 4 अंडर रूट 5 देन 9 प्लस 4 अंडर रूट 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 प्लस में 4 अंडर रूट 5, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या लगेगी, आइडेंटिटी। यहाँ पे हमेशा ही जब भी रैशनलाइज करते हैं तो नीचे हमेशा आइडेंटिटी लगती है, a माइनस बी ए प्लस बी वल। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसमें होता क्या है कि जो डिजिट्स है वो सेम है, बस साइन का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 9 का स्क्वेयर माइनस में 4 अंडर रूट 5 इसका स्क्वेयर। देन अब देखो 9 प्लस 4 अंडर रूट 5 अपॉन में 9 का स्क्वेयर करेंगे 81 माइनस 4 का स्क्वेयर कर दिया, पूरे का स्क्वेयर होगा होल स्क्वेयर, तो 4 का स्क्वेयर कर दिया हमने 16। अंडर रूट 5 का स्क्वेयर करोगे 5, तो ये आपके पास आ गया 9 प्लस 4 अंडर रूट 5 अपॉन 81 माइनस 16 5 जा 80। देन ये हो गया आपके पास 9 प्लस 4 अंडर रूट 5, ये 1, इट मीन्स 9 प्लस 4 अंडर रूट 5, ये हमारे पास आ गई 1 बाई एक्स की वैल्यू। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, x प्लस 1 बाई एक्स, यहाँ लिखो x प्लस 1 बाई एक्स। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 9 माइनस 4 अंडर रूट 5, यहाँ पर रख दो 9 माइनस 4 अंडर रूट 5 प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, 9 प्लस 4 अंडर रूट 5, 9 प्लस 4 अंडर रूट 5, ये माइनस 4 अंडर रूट 5 प्लस 4 अंडर रूट 5 कैंसिल हो गया, 9 प्लस 9 हमारे पास क्या हो गया 18, ये आपके पास आंसर आ गया। एक और अब लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास इफ एक्स इज इक्वल टू पी लिखा हुआ है, यहाँ पे पी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करनी है पी स्क्वेयर प्लस 1 बाय पी स्क्वेयर। अब कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, हम पहले क्या करेंगे, पी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, अब हम 1 बाई पी की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 बाई पी, यहाँ पे लिखा 1, पी की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस 2 रूट 6, इसको भी रैशनलाइज कर देंगे, 5 माइनस 2 रूट 6 है तो 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6, साइन चेंज कर देंगे। अच्छा 1 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये हो गया 5 प्लस 2 रूट 6, नीचे आइडेंटिटी लगेगी 5 का स्क्वेयर माइनस 2 रूट 6 स्क्वेयर। अच्छा 5 का 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन में 5 का स्क्वेयर किया हमने 25 माइनस 2 का स्क्वेयर करोगे 4, अंडर रूट 6 का स्क्वेयर करोगे तो इनटू में 6, 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन 25 माइनस 6 4 जा 24, तो ये आपके पास आ गया 5 प्लस 2 रूट 6 अपॉन में 1, यानी वैल्यू हमारे पास ये आ गई 1 बाय पी की। पी की वैल्यू भी अब हमारे पास है और 1 बाय पी की वैल्यू भी हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो पी प्लस 1 बाय पी की वैल्यू फाइंड करेंगे, पी की वैल्यू है हमारे पास 5 माइनस 2 रूट 6 प्लस 1 बाय पी की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस 2 रूट 6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, तो ये 1 पी प्लस 1 बाई पी की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। अब देखो ध्यान से, पी प्लस 1 बाई पी इज इक्वल टू 10 है, लेकिन वैल्यू तो हमें किसकी फाइंड करनी थी, हमें फाइंड करनी थी पी स्क्वेयर प्लस 1 बाई पी स्क्वेयर की। अभी हमने पी प्लस 1 बाई पी की वैल्यू फाइंड की, अब हम क्या रखेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड,
स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे कैसे, पी प्लस वन बाई पी स्क्वेयर टेन का स्क्वेयर। अब इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वेयर का फॉर्मूला आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वेयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ए मीन्स फर्स्ट डिजिट और बी मीन्स सेकेंड डिजिट, तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट का स्क्वेयर प्लस टू इंटू में फर्स्ट डिजिट इंटू सेकेंड डिजिट प्लस सेकेंड डिजिट का स्क्वेयर वन बाई पी स्क्वेयर इज इक्वल टू टेन का स्क्वेयर किया हंड्रेड। अब देखो ध्यान से, पी स्क्वेयर प्लस इस पी से ये कैंसिल हो गया प्लस टू प्लस में वन बाय पी स्क्वेयर इज इक्वल टू हंड्रेड। पी स्क्वेयर प्लस वन बाई पी स्क्वेयर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, इस टू को आप साइड चेंज कर दो तो यहाँ हंड्रेड है, ये प्लस टू है इस साइड आ जाएगा तो माइनस टू। पी स्क्वेयर प्लस वन बाई पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 98, तो हमारे पास वैल्यू आ गई पी स्क्वेयर अपॉन प्लस वन बाई पी स्क्वेयर।